पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों को जागरूक करने के लिए एक नई पहल की है, जिसे चार देश रत्न मार्ग से खरीफ महाअभियान रथों एवं 20 विकास वाहन रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कृषि विभाग द्वारा खरीफ मौसम में संचालित योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु संबंधित जिला अंतर्गत प्रखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर किसानों के बीच कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से प्रत्येक जिला के लिए दो दो रथों को तैयार किया गया है, जिनमें एक खरीफ महाअभियान रथ तथा दूसरा बीज वाहन यानी विकास वाहन रथ, जिस पर खरीफ फसलों के बीज एवं उनके बीज उपचार हेतु कीटनाशक रसायन उपलब्ध होगा, जिसे चयनित किसानों को ऑन द स्पॉट अनुदान पर उपलब्ध कराते हुए बीज उपचार किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और कृषि मंत्री प्रेम कुमार उपस्थित रहे। गाँव में रहते हैं और 76% जो आबादी जाकर कृषि पर आधारित जा करके है। राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य ऋण कृषि हमारा जा करके। आज खरीफ महाअभियान 2019 के अवसर पर खरीफ महाअभियान रथों एवं बीज वाहनों का आज हम लोगों ने 38 जिले में रवाना किया है और चालू मतलब इस वर्ष में खरीफ का जो कुल हम लोग का टारगेट है 39,12,000 हेक्टर में विभिन्न फसलों की खेती से धान खरीफ मक्का दलहन तिलहन महुआ इधर भी देखिए इस तरह से कुल मिलाकर मैं देख रहा हूँ 123,25,000 मैट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। धान 33 लाख हेक्टर में खेती से कुल 104.90 लाख मैट्रिक टन चावल उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। खरीफ मक्का 4,245 हेक्टर में मक्का की खेती से कुल 16,19,000 मैट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य है।